कहते हैं बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ देते हैं और अच्छे वक्त में गैर भी अपना लेते हैं। ऐसा ही बुरा वक्त अभी चल रहा है जब कोरोना को लेकर देश भर में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है। आलम यह है कि इस समय साए की तरह साथ देने वाले लोग भी कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करीबियों को नहीं छोड़ रहे, चाहे वो इंसान हो या फिर पशु। आज हम आपको एक ऐसे ही रिश्ते की कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी है गणेश और शेरू की। गणेश फरीदाबाद में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन कोरोना की मार से उनकी रोजगार छिन गई। अब उनके सामने फरीदाबाद छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन गणेश के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी उस कुत्ते को लेकर, जिसे कुछ महीने पहले वो सड़क से उठाकर लाए थे। आखिर फरीदाबाद छोड़ने से पहले वो इस कुत्ते का करे तो क्या करे। गणेश ने दिल पर पत्थर रखकर कुत्ते को घर से बाहर छोड़ दिया, लेकिन वो कुत्ता वहीं बैठा रहा और गणेश की ओर टुकटुकी लगाए रहा, मानो उसे पता चल गया था कि अब उसका साथी उसे छोड़ देगा। गणेश का कहना है कि शेरू की तबीयत भी खराब होने लगी, जिसे देखकर गणेश का दिल बैठ गया। गणेश ने इस बात का फैसला कर लिया कि चाहे जो हो वो शेरू को साथ लेकर जाएगा। गणेश और शेरू ने 540 किलोमीटर का सफर तय किया। एक दूसरे का साथ देते हुए गणेश की तरह शेरू को भी सफर के दौरान कुछ मिल जाता था तो वो खा लेता, नहीं तो पानी पर ही दोनों गुजारा कर लेते। गणेश की माने तो शेरू उन्हें कहीं तंग नहीं करता, यहां तक कि इतने लोगों की भीड़ में भी शेरू अच्छे बच्चे की तरह गणेश की बात मानता रहा और अब हमारी यारी जिंदगी भर की हो गई। गणेश और शेरू की दोस्ती देखकर मुंशी प्रेमचंद की वो कहानी याद आ गई, जिसमें झूरी ने अपने दोनों प्यारे बैल को गरीबी में आकर बेच दिया था, लेकिन वो तीनों की मोहब्बत ही थी जो फिर से एक डोर में तीनों को बांध गई। पलायन के इस भयावह दौर में इंसान अपने साथियों को नहीं छोड़ रहा, कहीं कोई बूढ़े बच्चे परिवार के साथ जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये शख्स फरीदाबाद हरियाणा से चला है और लखनऊ पहुंचा है, और साथ साथ इस और अपने पालतू छोटे से कुत्ते को ले करके भी वो वहाँ से आ रहे हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? दिनेश। तो ये आप इसको ले करके कहाँ से चले? फरीदाबाद बाटा। कैसे लेकर के आए? क्योंकि ये तो बाजार से मिल रहा है, सवारी मिल रही है, सवारी से आ रहा है, नहीं तो पैदल तो आ ही रहे हैं, कहीं मिल गया कोई बैठा लिया तो आ जाते हैं, नहीं तो पैदल पैदल आ रहे हैं। तो जब इस पालतू कुत्ते को लेकर आप आ रहे हैं तो लोग तो ऑब्जेक्ट कर रहे होंगे? नहीं, क्या ऑब्जेक्ट करेंगे, मतलब देखते हैं तो हम कहाँ छोड़ देंगे, इतने बड़े बच्चा था जब इसे पाल के रखे हैं, तो कहाँ छोड़ देंगे, गाड़ी मतलब भग भग के जाएगा, रूम बंद रहेगा, तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं ना। एक दिन में छोड़ के देख लिया, पागल हो गया, फिर छोड़ना देता रहना। इसको लेके आने में दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाजू कहीं बैठा लो, जैसे बैठा लो जैसे बैठो, वैसे रहता है, बता आओ सिखाए हुआ तो ऐसा नहीं है, हाँ जानकार है, थोड़ी बहुत उसको भी जानकारी हो गई, कहाँ कैसे चलना है, कहाँ कैसे रहना है, कहाँ कैसे बैठना है, कितना अनुभव उसको भी हो गई। पूरा रास्ते भर आया जहाँ तक का, मतलब इतनी पब्लिक कसी थी, जहाँ भी बैठा देता था वहीं चुप मार के बैठ के चला था, अपने काम के पीछे पूरा बैठा के। खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कल का परसों का तो इसको खाया था, जब से मतलब साथ साथ चलाया ना, कोई चीज़ नहीं खाया, सब खाया। क्या नाम है? शेरू। तो ये शेरू लोग विदेशी जो नस्ल के कुत्ते होते हैं उसको नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आप तो ऐसे निकले कि आपने जिसको प्यार किया उसको साथ लेकर चल रहे हैं? नहीं तो बाबूजी, मैं बचपन में उसको लेकर आया था, छोटा सा था, फिर साथ ही रह गया, वो साथ रह गया, अब साथ ही रह जाएगा, वो फरीदाबाद से चले हैं, लेकिन अब कहाँ जा रहे हैं? अब जाएंगे भाई साहब अकबरपुर मिल जाए या फैजाबाद का कोई सवारी मिल जाएगी, जाना तो हमें बंदीपुर में जा रहा था। चलिए, तो इसको लेकर के जाएंगे और साथ रखेंगे? लेके जाऊंगा, साथ रखूंगा, साथ रहूंगा, साथ लेके जाऊंगा, पहले बात फिर अगर आऊँगा तो क्या नाम है आपका? गणेश। तो गणेश का ये पशु
फ्रेम देखिए, ये फरीदाबाद से लेकर निकला है और इस कुत्ते को अपने साथ लेकर कितनी मील की दूरी ये तय कर चुका है और अब ले से लेकर जाएगा। कहता है कि अगर वापस गया तो इसे वापस लेकर दोबारा फरीदाबाद ले आऊँगा। तो इस भयावह दौर में जब पलायन अपने चरम पर है, मला महापलायन देख रहे हैं, ऐसे में इंसान और जानवर इन दोनों के बीच का जो संबंध है, इन दोनों के बीच का जो प्रेम है, वो भी हमें इस महापलायन के बीच दिखाई दे रहा है। संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ कृपाशंकर झा, यूपी तक।